नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है वायु परिवहन। स्थल एवं सामुद्रिक परिवहन के अलावा भी जो आधुनिक युग है उसमें वायु परिवहन जो है वह सबसे अधिक तेज परिवहन का साधन है। और वायुयानों का प्रयोग शांतिकाल से ही यात्रीवाहक के रूप में तथा युद्धकाल में बम वर्षक के रूप में और रसद पहुँचाने के लिए किया जाता रहा है। और वास्तव में देखें तो आज का युग जो है वह वायु युग है एवं प्रत्येक राज्य में सर्व विकास में यह और सुरक्षा में वायु परिवहन का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि वायु परिवहन जो है वह एक द्रुत गति परिवहन है जो लंबी लंबी दूरियों को छोटा कर देता है। वायु परिवहन की प्रमुख विशेषता प्राकृतिक बाधाओं की कमी है, यानी पर्वत, पठार, मरुस्थल, दलदल, हिममंडित क्षेत्र अन्य परिवहन के साधनों में बाधक होते हैं, वायु परिवहन के लिए ये अवरोध नहीं है। एंडीज पर्वत बहुत कम सड़क तथा रेल मार्गों द्वारा पार करने योग्य है, दूसरी ओर वायुयानों द्वारा प्रतिदिन अनेक बार अनेक स्थानों से ये पार किया जाता है। वायु परिवहन जलवायु द्वारा प्रभावित होते हैं और वास्तव में यही कारण है कि वायु यात्रा के दौरान मौसम की जानकारी पहले से ही कर ली जाती है ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो। वायु परिवहन प्राकृतिक बाधाओं से अपेक्षाकृत कम प्रभावित है, किंतु मनुष्य द्वारा निर्मित सीमा इसमें प्रमुख अवरोध है। वायु परिवहन की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो तीव्र गति के कारण समय की इसमें बचत हो जाती है। इसके अलावा यह प्राकृतिक बाधाओं से मुक्त होने के कारण दूरह स्थानों पर भी आसानी से पहुंच सकता है। वायुमंडल में स्वतंत्रता होती है, मार्ग बंधन नहीं होता है और यात्री और माल परिवहन दोनों के लिए ही यह परिवहन बहुत ही सुलभ है। फिर है वायु परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले वायु परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों में हैं भौतिक दशाएं। इसके लिए हवाई अड्डा बनाने के लिए हमें समतल भूमि की आवश्यकता होती है ताकि हवाई पट्टी बनाई जा सके। साथ ही मार्ग में आने वाले पर्वत, समुद्र, मरुस्थलों आदि को ध्यान में रखकर वायुमार्ग निर्धारित किए जाते हैं। दूसरा जो कारक है वो है जलवायु। जलवायु वायुमंडलीय दशाओं का वायुयान संचालन में काफ़ी महत्व होता है। कोहरा, धुंध, तूफान, वर्षा ये सभी वायु यातायात के संचालन में काफ़ी इससे प्रभाव पड़ता है। इसी कारण वायुमंडल संबंधी सूचनाएं आवश्यक होती है। फिर है तीसरा कारक जो है वो है आर्थिक दशाएं। यह एक महंगा यातायात का साधन है, इसलिए हर कोई इसे नहीं इसकी सुविधा उठा पाता है, क्योंकि ये साथ ही उन्हीं देशों में होता है जहाँ विकसित देश और विकसित क्षेत्र हो। यहाँ के लोग ही इसकी यात्रा और भार वहन कर सकते हैं। यह माल ढोने में भी उपलब्ध रहता है। इसके साथ ही उन अगम्य क्षेत्रों का भी विकास वायु परिवहन से संभव हो जाता है जो जहाँ संसाधनों में धनी हैं। चौथा है राजनीतिक सहचर्य। कोई भी वायु मार्ग जो है वह तभी निर्धारित होता है जब दो राष्ट्रों के बीच सहमति हो सके। इनके बीच राजनयिक संबंध अच्छा होना चाहिए, उन्हीं के मध्य आवागमन होता है, क्योंकि प्रत्येक देश का वायुमंडल उस देश की अपनी एक संपत्ति है। इसी कारण वायुमंडल को वायुयान द्वारा पार करने के लिए उस देश की अनुमति लेना आवश्यक होता है। फिर है हवाई अड्डों की सुविधाएँ। वायु यातायात सुचारू रूप से चलाने के लिए वायु पट्टी के अलावा और भी कई आवश्यकताएं होती हैं, जैसे यात्री और सामान ढोने के लिए गाड़ियां, नियंत्रण रखने के लिए राडार और हवाई अड्डे उपलब्ध होने चाहिए। कंट्रोल टावर की सुविधा भी होनी चाहिए। पांचवा है सुरक्षा एवं वायुमार्ग। दो स्थानों के बीच वृहद वायुमार्ग वृत्त के अनुरूप ही बनाए जाते हैं। साथ ही उड़ानों के मार्ग बहुत ही सावधानीपूर्वक विचार करके निश्चित किए जाते हैं। विभिन्न दिशाओं में जाने वाले वायु मार्गों को अलग अलग ऊंचाइयों पर उड़ाया जाता है ताकि वायुयान में आपस में टकराहट ना हो, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से भी वायुमार्ग को देखना पड़ता है। अब हम जानते हैं कि विश्व के प्रमुख वायुमार्ग कौन कौन से हैं। विश्व में ये तो अनेक वायुमार्ग हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जो प्रमुख वायुमार्ग है वो है पहला न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस,
फ्रैंकफर्ट, रोम, काहिरा, बैरूत, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, रंगून, सिंगापुर, हांगकांग, संघाई और टोक्यो। दूसरा है न्यूयॉर्क से मेलबोर्न तक, जिसमें लंदन, ब्रुसेल्स, म्यूनिक, ज्यूरिख, रोम, काहिरा, कुवैत, कराची, मुंबई, सिंगापुर, पर्थ और मेलबोर्न आते हैं। तीसरा है न्यूयॉर्क केपटाउन और सिडनी मार्ग। चौथा है न्यूयॉर्क सैंटियागो मार्ग। पांचवा है न्यूयॉर्क पनामा होनोलुलु टोक्यो मार्ग। छठा है लंदन न्यूयॉर्क मॉन्ट्रियल मार्ग। सातवां है लंदन न्यूयॉर्क शिकागो सैन फ्रांसिस्को मार्ग। आठवां है लंदन पेरिस रोम काहिरा मुंबई सिंगापुर ब्रिजबेन सिडनी। नवां है लंदन न्यूयॉर्क पनामा सैंटियागो। और दसवां है लंदन बोन बर्लिन मास्को। ग्यारहवां है पेरिस बोन मास्को। और बारहवां है सैन फ्रांसिस्को होनोलुलु टोक्यो और संघाई। और तेरहवां मार्ग जो है वो है मास्को वारशा प्राग ज्यूरिख पेरिस लंदन आदि। और चौदहवां है मास्को लंदन मॉन्ट्रियल वैंकूवर टोक्यो संघाई सिंगापुर डार्विन सिडनी आदि। पंद्रहवां है लंदन नैरोबी केपटाउन मार्ग। और सोलहवां है मास्को नोविस्क और व्लादिवोस्टोक मार्ग। उपयुक्त जितने भी लंबे वायु मार्ग हैं उनके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, स्विट्जरलैंड, चीन, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि ऐसे देश हैं जो अपने अपने देश के अंदर समीपवर्ती देशों के अंदर बहुत से मार्ग बनाए हुए हैं। विश्व में नागरिक वायु परिवहन के नियंत्रण संस्था को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक वायु परिवहन संगठन कहते हैं, जिसके सदस्य विभिन्न देशों की वायु परिवहन संस्थाएं होती हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वायु परिवहन की व्यवस्थाओं का निर्धारण भी किया जाता है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, ये थे वायु मार्ग, विश्व के प्रमुख वायु मार्ग और उन्हें प्रभावित करने वाले कारक।